धन्यवाद करते हैं उस अदुत्ती ते महान परमेश्वर का जिसने एक बार तुहाडे नाल फिर जीवित वचना नूं वंडन का मौका दिता। लाइफ विद जीजस क्राइस्ट चैनल दे उत्ते तुहाडा स्वागत है। मीटिंग विद गॉड टीम की सोच है कि तुहाडे तक परमेश्वर के जीवित वचना का सही सही प्रकाश पहुँच सके। जिवें कि तुसी अज दा टॉपिक देख चुके हो, सुपर से भी ऊपर। अजीजो, इस संसार विच रहिंदे होए बहुत सारे लोगों की सोच इस ते टिकी हुंदी है कि लग्जरी गड्डी होवे, लग्जरी घर होवे, लग्जरी खाना होवे, लग्जरी चलना फिरना होवे। इह सब चीज़ां वेख के कई बार मसीही लोगों का भी मन डोल जाता है, पर यीशु मसीह ने अपने लोगों नूं सुपर ब्लैसड मैन तो भी उपर किया होया है, सुपर से भी उपर। अज असी प्रभु के जीवित वचना विचों इस दे बारे सीखते हाँ। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार दे विच प्रचार करन दा उद्देश उसनू असी दो हिस्सों दे विच वेख सकते हाँ। पहला हिस्सा यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे राज नू इस धरती दे उत्ते लैके आए। मत्ती 4:17 विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े है। यूहन्ना दी अंजील 3:5 विच भी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे दे लई कहा, बपतिस्मे दा अर्थ है कि स्वर्ग राज दे विच तुहाडा प्रवेश होवेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लुका 10:20 दे विच कहा, पर इस तो आनंद ना होवो कि रूहां तुहाडे वस विच हन, पर इस तो आनंद होवो भई तुहाडे नौं स्वर्ग विच लिखे हुए हन। इन्हां वचनां तो सिद्ध हुंदा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दा राज धरती उत्ते लैके आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:17-18 दे विच आख्या, इस जगह ते यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलिसिया बनावांगा, अधलोक दे फाटक उहदे उत्ते कदे भी प्रबल ना होणगे। पत्रस नाल गल करदे आ यीशु मसीह ने आख्या कि कलिसिया वचन दे प्रताप दे उत्ते बनी होई होवेगी। इस धरती उत्ते कलिसिया किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कलिसिया के मालक प्रभु यीशु मसीह हन ते कलिसिया नूं चलाउण वाले भी यीशु मसीह जी हन। कलिसिया नूं सेध देण वास्ते प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए दासां नूं इस्तेमाल करदे हन तां कि वह वचन दे सही प्रकाश नूं देण। हुण जिवें तुसीं शीर्षक देखिया है सुपर से भी ऊपर, असीं देखदे हां कि बाइबल दे विच छोटे तो छोटे मसीही दी भी इक्को जिही कदर है। यूहन्ना दी अंजील 6:9 दे विच प्रभु यीशु मसीह दी सेवकाई दे विच एक छोटे बालक कोलों यीशु मसीह ने रोटियां लै के काम शुरू किया। 5,000 लोगों की भीड़ दे विच वो छोटा बच्चा सुपर से भी ऊपर हो गया। दूसरा राजा 5 अध्याय दे 2 वचन दे विच एक निक्की कुड़ी नमान दी चंगाई दा कारण बनी, वो दुश्मनां दे विच वी सुपर तो उपर हो गई। जदों असी मत्ती 10:42 विच वेखदे हां इहदे विच इह लिखिया है कि जे कोई इन्हां छोटियां विचों एक नूं ठंडे गलास दा पानी चेले दे नौं उत्ते दिंदा है, उस नूं वी अजर उस दा मिलेगा। मत्ती 11:11 दे विच प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दे बारे लिखिया, मैं तुहानूं सत आखदा हाँ कि जिहड़े तीवियां तों जम्मे उन्हां विचों यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला सब तों वड्डा है, पर जो सुरग दे राज दे विच अपने आप नूं छोटा करदा है वह यूहन्ना दे नालों भी वड्डा है। अजीजो, इन्हां सारियां गल्लां तों तुसीं सुरग राज दे सिधांत नूं समझ सकदे हो। मसीह नूं पहने हुए भाई भैणों और स्वर्गी सद्दे दे भाई वालों, जेकर तुसी स्वर्ग दे विच अपनी जगह पक्की करना चाहते हो तां तुहानू मत्ती 5:6-7 जो पहाड़ी उपदेश है उस उत्ते बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहाड़ी उपदेश दे विच प्रभु यीशु मसीह भीड़ नू वेख के पहाड़ दे उत्ते चढ़ गए। कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ दे विच स्वर्गी राज की सिक्ख्या नहीं सी दे सकते? प्रभु यीशु मसीह चाहते सन जिन्हां ने स्वर्ग दे विच जाना है वह खुद मेहनत करके पहाड़ दे उत्ते आउण। स्वर्गी राज दी असी एक गल होर वेखदे हाँ जो रोमियां 14:17 दे विच लिखी हुई है, क्यों जो परमेश्वर दा राज खाना पीना नहीं सगों पवित्र आत्मा विच शांति ते आनंद है। हुण असी समझ सकते हाँ कि परमेश्वर दा राज कलिसिया दे लई किन्ना जरूरी है। सो संसारिक सुख विलास तो दूर हो के, खाने पीणियां तो दूर हो के, सानू स्वर्गी राज दे खोज दे विच सही प्रकाश नूं लैण दी जरूरत है। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज दी
शुरुआत पहाड़ी उपदेश दे विच माप एक मापदंड दे के कीती। मत्ती 5:5 दे विच लिखिया है, तन ओ जिहड़े हलीम हन क्यों जो ओ धरती दे वारस होणगे। अजीजो, स्वर्गी राज दी शुरुआत हलीम होण तों हुंदी है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्नियां ही गल्लां दसियां जिन्हां नूं उन्हां ने धरती दे उत्ते पूरा करके दसिया। असीं देखदे हाँ कि प्रभु यीशु मसीह धरती दे उत्ते किस तरह हलीम होके चले। लुका 2:16 विच लिखिया होया है, प्रभु यीशु मसीह दा जन्म खुरली विच होया। भावें प्रभु यीशु मसीह राजयां दे राजे सन, पर फिर भी उन्हां ने अपने आप नूं हलीम कीता और सब तो छोटी जगह दे विच अपना जन्म स्थान चुनिया। मत्ती 21:5 विच लिखा है, सय्यून दी धी नूं आखो, वेख तेरा पातशाह दीनगी नाल गधी उत्ते सगों गधी दे बच्चे उत्ते सवार होके तेरे कोल आउंदा है। अजीजो, उस समय भी रथ ते घोड़े सन, मगर यीशु मसीह ने अपनी सवारी गधी उत्ते ही क्यों कीती? वह अपने आप नूं हलीम होके अधीन होके पेश होना चाहते सन। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा दे बारे बयान किया, मरकस 10:45 दे विच लिखा है, क्योंकि मनुख दा पुत्र भी अपनी टहल करवाउण नहीं सगों टहल करन अते बहुतियां दे लई नस्तारे दा मुल भरन नूं अपनी जान देण आया है। यही गल प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां दे उत्ते भी प्रगट कीती और प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 13:14 दे विच कहा, सो जे मैं गुरू अते प्रभु हो के तुहाडे पैर तोते तां चाहीदा है जो तुसी भी एक दूए दे पैर तो हो, इस लई जो मैं तुहानू एक नमूना दे छड्या है तां जो जिवें मैं तुहाडे नाल कीता है तुसी भी तेवें ही करो। फिलपियां 2:8 विच भी इस तरह लिखिया है, अते मनुख दी शक्ल विच प्रगट हो के अपने आप नू नीवियां कीता अते मौत ताई सगों सलीब दी मौत ताई आग्ञाकार बनिया। अजीजो, इन्हां वचनां तों यही सिद्ध हुंदा है कि यीशु मसीह हलीम होके इस धरती ते रहे, हलीम होके सेवा कीती और हलीम होके ही अपने जिंदगी दे सफर नूं बतीत कीता। इन्हां वचनां तों साडे लई प्रभु यीशु मसीह ने सानूं की सिक्ख्या दित्ती है? फिलपियां 2:5 विच इस तरह लिखा है, तुहाडा ओहो सुभाअ होवे जो मसीह यसू दा पीसी। इस लई जेकर असी सुपर से भी ऊपर होना चाहते हैं तो सानू इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है। साडी लाइफ यसू मसीह दे नमूने दे अनुसार ही चलनी चाहीदी है, क्योंकि इब्रानियां 12:2 दे विच लिखा होया है, अते यीशु दी वल तकदे रहिए जिहड़ा नेचा दा करता अते संपूर्ण करन वाला है। अजीजो, किते संसार दीयां चीज़ां वेखदे होए, किसे दे वल वेखदे होए, उन्हां चीज़ां दे वल ध्यान रखदे होए किते असी अपने सिद्ध करन वाले यीशु तों ध्यान ना हटा लईए, क्योंकि यीशु मसीह ने साडे लई लिखिया मत्ती 23:12 दे विच, अते जे कोई अपने आप नूं उच्चा करेगा सो नीवां कीता जाएगा अते जो कोई अपने आप नूं नीवां करेगा सो उच्चा कीता जाएगा। सो स्वर्ग दा मापदंड है अपने आप नूं हलीम करके चलना, जिवें यीशु मसीह इस संसार दे विच चले। जो कलीसिया दे विच तुहाडे तो सीनियर लोग हन, बजुर्ग हन, उन्हां दे अधीन होण दी भी जरूरत है। इसे तरह ये जवानों, बजुर्गों के अधीन होवो, सगों तुसी सबे एक दुए की टहल करन लई मन दी हलीमगी नाल लक बनो। इसलिए जो परमेश्वर हंकारियां दा सामना करता है पर हलीमा उत्ते कृपा बरखता है, सो अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हथ दे हेठ नीवियां करो, भाई ओ तुहानूं वेले सिर उच्चिया करे। परमेश्वर दा ते प्रभु यीशु मसीह दा साडे लई वेला यही है कि असी स्वर्ग राज दे विच उच्चे होईए, जिवें यूहन्ना दे बारे यीशु मसीह ने कहा सी। अज मसीही लोकां नूं सोचण दी जरूरत है, वह अपना मसीही सफ़र किन्ना गल्लां नूं वेख के शुरू कर रहे हन ते उन्हां दी मंजिल कित्थे है। अजीजो, प्रकाश दी पोथी 21:1 दे विच लिखिया है, तां मैं नवां आकाश ते नवीं धरती वेखी, क्यों जो पहला आकाश ते पहली धरती जांदी रही और हुण अगाह नूं समुंदर है नहीं, अते मैं
पवित्र नगरी नवी यरूशलम नूं इउं तैयार कीती होई वेख्या जिवें लाड़ी अपने लाड़े लई शिंगारदी है और परमेश्वर दे कोलों आकाशों उतरदी नूं वेख्या। अते मैं संघासन तो एक वड्डी आवाज़ ये आखदे सुनी, भाई वेख परमेश्वर दा डेरा मनुखां नाल है अते ओ उस दी परजा होणगे अते परमेश्वर आप उन्हां दा परमेश्वर हो के उन्हां नाल रहेगा। सो अजीजो, स्वर्ग दे चार हिस्से हन। सब तो उत्ते सय्यून है, उस तो बाद नवा यरूशलम है, नवा आकाश है, नवी धरती है। इन्हां सभना दे मापदंड अलग अलग हन। अज दा मापदंड असी सिर्फ धरती नवी धरती दे वारस होण बारे सिख्या है। उस विच प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि लग्जरी चीज़ां तो अपना मन फेर के हलीम हो के चलना, अपनी सोच नू सही बनाउना। अखीर दे विच अज़ीज़ो, मैं तुहानू यही दसना चाहना हाँ कि सही प्रकाश नू परमेश्वर दे कोलों प्राप्त करना यही कलीसिया दी दुआ होनी चाहीदी है। और इस धरती दे उत्ते कलीसिया दी मंजिल स्वर्गी राज नू प्राप्त करना ही होनी चाहीदी है। जेकर इन्हां गल्लां नू असी प्रैक्टिकल रूप दे विच सिद्ध होया वेखना चाहते हाँ तो सानू पुरानी नेम दी कलीसिया दी एक गल नू वेख लेना चाहीदा है। जदों इसराइली मंडली कनान दे सफ़र दे लई पैदल यात्रा दे विच चली, तकरीबन ये यात्रा वो 40 साल कर दे गए। परमेश्वर ने उन्हां दी रोटी दा इंतजाम स्वर्ग तो कीता, जिसनों पुराने नेम दे विच स्वर्गी मन्ना करके लिखिया गया है। जेकर तुसी रीज दे नाल 78 जबूर नूं पढ़ो तां तुहानूं उहदे विच बहुत सारियां गल्लां मिल जाणगियां। इसराइली कौम दे विचों कुछ लोग अजिहे सन जिन्हां ने परमेश्वर दे मन्ने नूं खाण तो इनकार कीता। उन्हां ने अपनी इच्छा दे अनुसार भोजन की डिमांड कीती। जबूर 78:18-19 दे विच लिखिया होया, उन्होंने अपनी खुदिया लई भोजन मंग के अपने मन विच परमेश्वर का परतावा किया अते ओ परमेश्वर के विरुद्ध बोले। उन्होंने आख्या कि परमेश्वर अजाड़ विच भी लंगर का अडंबर रच सकेगा। काफ़ी इसराइली लोगों ने उस समय परमेश्वर दे कोलों संसारिक भोजना की ते संसारिक इच्छावां की संसारिक चीज़ों की मंग की। उन्होंने स्वर्गी भोजन का मन्ने का इनकार किया, क्योंकि 78 जबूर के 24 वचन के विच इसराइल लोगों के लिए एक सबूत है। उन्होंने खाने लई मन वराया अते उन्होंने स्वर्गी अन्न दिता। स्वर्गी प्रकाश कलीसिया की अत लोड़ है ते यही साढ़े लिए अच्छा भोजन है। अज भी बहुत सारे नवे नेम की कलीसिया दे विच सही प्रकाश तो लोग भजदे हुए हो सकते हैं। बहुत सारे मसीही लोग संसारिक चीज़ों की संसारिक लग्जरी लाइफ लई प्रभु यीशु मसीह दे कोलों अज भी प्रार्थनावां करते हैं। याद रखो, ये दिन इसराइलियां ते भी हमेशा नहीं रहे सन। यहोशिया 5:11 दे विच लिखिया होया है, पसाह दे एक दिन पिछों उन्होंने उस देश की पैदावार तो पुजे हुए दाने अते पतीरी रोटी उसे दिन खाधी। जद उन्होंने उस देश की पैदावार तो खाधा तो अगले दिन मन्ना बंद हो गया, फिर इसराइलियां नूं मन्ना कदे ना मिलिया। अजीजो, परमेश्वर दे वक्त और टाइम ठहराए हुए होंदे हन और मन्ना बंद हो गया और इस मन्ने दे कारण स्वर्गी भोजन दे कारण इसराइली ना थकते सन, ना उन्हां दे पैर सुजदे सन, ना उन्हां दे जीवन दे विच बीमारी आउंदी सी। वो सफ़र करते जाते सी, बहुत एक्टिव होकर चलते गए। ये स्वर्गी मन्ने दी खासियत है। इस तरह जो स्वर्गी प्रकाश है उसकी भी बड़ी खासियत है, तुसी ना बीमार होवोगे, ना थकोगे, तुसी हमेशा संसारिक यात्रा स्वर्ग वल करते जाओगे। एक दिन जरूर तुसी अपनी मंजिल ते पहुँच जाओगे। सो ये सफ़र तुहानू हलीम होके चलना है।
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇਯੂਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰ ਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਸੱਲੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੋਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।